हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर्स हैं वो यहाँ पर वीकली बेसिस के हिसाब से किस तरह से यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए जो है देखने को मिल रहे हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हर वीक को अगर यहाँ पर ध्यान से एनालाइज करते हैं तो एक जो चीज़ जो यहाँ पर हमें जो इस वीक के अंदर जो है देखने को मिली है स्पेशलाइजेशन, तो वो ये है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर वीक के अंदर जो तेज़ी है, जो यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। मोटा मोटी जो यहाँ पर हमें क्लोजिंग जो है एक अच्छे से हाई प्राइस पर ही देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर मेरा जो है माउस पॉइंटर जा रहा है वहाँ पर जो है देख सकते हो आप। और यहाँ पर इस वीक के दौरान जो है थोड़ी बहुत जो है जो क्लोजिंग है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुई है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर हमें इतने टाइम से जो है देखने को मिल रही थी। बट यहाँ पर हालांकि अगर यहाँ पर हमें ट्रेड परस्पेक्टिव के हिसाब से देखना है तो यहाँ पर आप खुद समझते हो कि एक अच्छी खासी जो रैली के बाद जो है थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजीशन को कवरिंग जो है वो ज़रूरी है। सो ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली हमें जो है लास्ट टू लास्ट सेशन के अंदर जो है देखने को मिली है। बट यहाँ पर ओवरऑल अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पर अभी के हिसाब से मेरा जो यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से जो पर्सनलाइज लेवल रहेगा वो यहाँ पर 6740 के प्राइस बैंड के नीचे अगर यहाँ पर कैंडल्स जो है जाना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर हम जो है शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। उसके लिए सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग पोजीशन के लिए 7000 के एक के ऊपर अगर यहाँ पर जो एक घंटे की टाइम एक घंटे का भी जो यहाँ पर ड्यूरेशन है वो यहाँ पर रह जाता है तो एक अच्छी खासी जो प्राइस मोमेंटम है यहाँ पर हमें जो है फिर से लॉन्ग पोजीशन के अंदर देखने को मिल सकती है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और यहाँ पर वीकली ओवरव्यू को जानने के लिए ये जो वीडियो है आपके लिए मददगार रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।